तो जब उस रत्नाकर जैसे डाकू को हम अगर साधना के मार्ग से नारद महामुनि जैसे महाशय ने एक मंत्र देकर बदला, तो हमारे जीवन में भी हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति मंत्रों में है। यह परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था। गुरु जी के जीवन में भी एक महाशय थे जो बहुत धनवान थे, लेकिन उनका उनका बच्चा चूहा खेलता था, पीता था और गुरु के पास न आने की बात करता, मैं गुरु के पास नहीं आता। और बहुत सारे घरों में हम ये देखते हैं कि पति अगर गुरु भक्त होता है तो पत्नी नहीं होती, पत्नी होते हैं तो गुरु पति नहीं होता, बच्चे होते हैं तो बच्चियाँ नहीं होती, इस प्रकार हम गुरु के पास नहीं आएंगे। यानी सामरस्य, एक परिवार में सभी लोग जुट मिलकर काम साधना सिद्ध नहीं करते, उस समय में ऐसी कौन सी साधना करनी है जिससे हमें उस पीड़ा से मुक्ति मिले। आज वह चैत्र अमावस्या है जिसको हमारे में दुर्गुण है, हमारा दुर्भाग्य भी लिखा हुआ है, उसको सौभाग्य में बदलने की एक गुरु सिद्धि साधना है, जिसे गुरुत्व सिद्धि साधना कहा गया, जिसको गुरु जी ने स्वयं करवाया था और उस महाशय को बतला दिया था कि तेरे घर में ये साधना कर। कहते हैं कि उस साधना को करने के बाद 40 दिन के अंदर अंदर उस पुत्र उनके घर पे गुरु चरणों में आकर नमस्कार किया और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया है, आज तक मैंने सारे उन बुराइयों को किया है, जुआ खेलता था, पैसे उड़ा देता था, इधर उधर घूमता था, लेकिन मुझे आज पता चला कि कल मेरे भी जीवन में ऐसा ही अगर कोई आए और मुझे सताए, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा ही सताया है प्रभु, मैं बहुत रो रहा हूँ पापा, मुझे क्षमा करो और मुझे अच्छे मार्ग पर लगाओ। तब उनके पापा ने कहा कि यह उस साधना की शक्ति थी जिसने साधना करने के बाद जिसके घर में बीमारियाँ कभी भी पड़े रहती थी, जो बच्चों को सताए, बच्चे सुख से नहीं रहते थे, घर में दुख ही दुख रहता था, इस साधना को संपन्न करने के बाद उस घर में सुख ही सुख को प्राप्त हुआ, ऐसी गुरु जी की गुरुत्व साधना नाम की साधना है। उस साधना में यंत्र और एक माला है और केवल 5 माला जब आज रात में करना है और एक माला उसकी आहुति डालने से गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में सुख संपत्ति हो, सुख परिवार हो तो तुम कोई भी साधना कर सकते हो, लेकिन अगर घर में बच्चा बीमार पड़ा हो, घर में बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हो और हम कहें कि तुम साधना करो, तो हम साधना कहाँ तक कर सकते हैं। हमारे को पहले उस समस्याओं से निपटाना चाहिए, उस समस्याओं से बाहर आ जाना चाहिए, तब हम सारी साधनाएँ कर सकते हैं। हमारे ही घर में नहीं, हर एक के घर में ऐसी ही परेशानियाँ तो रहती है और उस परेशानियों के निर्मूलन के लिए आज गुरु जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं ऐसे ही दिव्य साधना दे रहा हूँ जो तुम्हें हर प्रकार की इच्छा को पूर्णता को प्रदान करे और तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले, ऐसे ही साधना आपको मैं प्रदान करता हूँ। साधना की सामग्री है केवल 5 माला जप करना है रात में और एक माला आहुति डालनी है, विशेष आहुति है। और इससे पहले कि मैं इस साधना के बारे में उस सामग्री को लाने की बात कहूँ, आप सब लोगों से एक कहता हूँ कि एक बार मैं गुरु दीक्षा दूंगा और सभी को एक माला गुरु मंत्र जप करना है, पहले गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ। अब सब लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहें स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, दाहिना हाथ सर पे रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। मैंने दिया है, आपको आता है तो गुरु मंत्र की एक माला संपन्न करें।